मिक्स वेज करी के लिए हमें सबसे पहले देख लीजिए मैं मिक्स वेज करी में क्या क्या ली हूँ। आलू और ये बटाने की फली, मैं इसकी फली निकाले बटाने निकाल ली हूँ। और आलू हमें इतने तो बारीक बारीक काटना और फिनिश छोटे छोटे साइज में। और शिमला मिर्च मैं चार सब्जी ली हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। चार सब्जी मैं काट के अच्छे से वॉश कर ली हूँ दो पानी से। और हमारी हरी सब्जी देखिए कितने अच्छा दिख रही है, देखने में कितना अच्छा दिख रही है, अतः खाने में भी अतः मज़ा लगता है। तो इसके मसाले के वास्ते हमें क्या क्या लेना है, इसका मसाले के वास्ते देख लीजिए। पहले हमें सब्जी काट को धो लेना, उसके बाद हमें मसाले में लहसुन, अदरक, प्याज, कोथिमीर, इसका एक अलग से पेस्ट बनाना है हमें। इसके बाद लियो मैं खोपरा और पंडू, खोपरा पंडू, तो हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। आखिरी में सालन को डालने के वास्ते मैं सुइंग की भाजी भी लूँ। सुइंग की भाजी में बहुत, सुइंग की भाजी से हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसी के साथ सालन में बघार लगाने के वास्ते स्टार्टिंग में सालन बघारने के वास्ते पंडू, प्याज, कोथिमीर। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बना ले चूँ, इसका पेस्ट बना ले चूँ। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, खोपरा और पंडू का मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। तो अदरक, लहसुन, प्याज, कोथिमीर, इसका एक पेस्ट बना रही हूँ मैं। तो दो भी पेस्ट मैं अलग अलग बना रही हूँ, एक साथ से मिक्स नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाई, आप लोग कंफ्यूज मत कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं कुकर चढ़ा दे लूँ। अभी कुकर जैसे ही गर्म होता है उसमें मैं तेल ऐड करती हूँ। हमारा अभी कुकर गर्म हो गया तो मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। मसाला पीसने के बाद मैं पहले कुकर गैस पर गरम को रख डाली थी। जैसा हमारा तेल गरम होता है उसमें मैं ये जो बताई थी तुमने, कोथिमीर, पंडू और प्याज, वो मसाले डाल रही हूँ, या वो कच्चे मसाले डाल रही हूँ। तो हमारा अभी तेल गरम होना बाकी है इधर। तो इधर हमारा तेल गरम होगा, इसमें कच्चे मसाले ऐड कर डाली। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसा ही पानी में तेल में मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। तो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, इधर अच्छे से भून लियो मैं। तो अभी मैं जो सब्जी काटी थी वो सब्जी ऐड कर रही हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए ये वाली सब्जी मैं ऐड कर रही हूँ अभी इसमें कुकर में। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तेल में अच्छे से, इसे भी मसाला सब्जियों को भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर डालती हूँ। तो मैं सूखे मसाले में इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, चिली पाउडर 3 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिए। और 1 टीस्पून सॉल्ट। अभी इन तीनों डालने के बाद मैं इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैं फास्ट हीच रखी हूँ। तो अभी मैं इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेती हूँ। इसके बाद मैं इसका हरा मसाला डालती हूँ। जैसे ही 1 मिनट हुआ मैं इसका कुकर हटाई और ये सुइंग की भाजी डाल रही हूँ मैं। इसी मसाले में अच्छे से पक जाते हैं, हमारी सुइंग की भाजी का भी बहुत अच्छे से टेस्ट आता है इसीलिए। तो मैं अभी सुइंग की भाजी को भी अच्छे से मिक्स कर डालती हूँ, पूरी तरकारी के साथ अच्छे से मिक्स करती हूँ। और 1 मिनट तक मैं ऐसा ही क्लोज करके इसे पकाती हूँ।
अंदर एक मिनट में देखो हमारा मसाला अच्छे से पक, हमारी सब्जी और मसालों के सूखे मसालों के साथ अच्छे से पक गया। अभी मैं इसमें ये हरिया मसाला डाल चूँ। हरिया मसाला में जो मैं बताई थी स्टार्टिंग में वही हरिया मसाला, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं करी हूँ। बहुत सा भी कलर भी बिना कलर के भी हमारा मसाले में देखिए कितना अच्छे से कलर आया है। कोथिमीर, प्याज, अदरक, लहसुन इतना ही डाली मैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाली, फिर भी देखो हमारा मसाला कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी मैं ये मसाले के साथ भी 5 मिनट तक पका ले चूँ सब्जियों को। क्लोज करके 5 मिनट पका ले चूँ मैं। इधर हमारा मसाला पक रहा है और मैं इसमें जो मसाला लग को था जार में उसी का थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके फिर से मैं इस मसाले में डाल डाली, नहीं तो मसाला वेस्ट हो जाता। वो तो फिर से मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकने छोड़ती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं तो देख लीजिए हमारा अच्छे से पानी सूख चुका है। मसाला जितना भी हमारा तरकारी में से निकला, सब्जियों में से निकला पानी वो अच्छे से सूख चुका है, आप लोग भी देख लीजिए। तो अभी मैं जो खोपरा पंडू का पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर रही हूँ अभी इसमें। तो अभी इसमें मिक्सी में लक्को है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सर ले चूँ, डाल पानी डाल लो इसमें थोड़ा सा। तो अभी मैं इसे अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर ले चूँ। ये मसाले के साथ मैं अच्छे से भून ले चूँ ये मसाले को 5 मिनट तक, ऐसा ही मैं पका ले चूँ। तो इधर हमारे खोपरा पंडू का मसाला भी अच्छे से पक चुका है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से हमारा मसाला पक गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, पानी का तो जो हमारा खोपरा पंडू में जो मसाला था, जो खोपरा पंडू जो पीसी थी उसमें जो रत्ती मसाला लग का था उसी में और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसमें ऐड कर डाली। तो अभी मैं सीटी लगाना है, सबसे पहले मैं देख ले चूँ इसमें नमक सब बराबर है क्या, उसके बाद अगर नमक बराबर है तो सीटी लगा डाल चूँ। नमक तो थोड़ा कम दिख रहा मुझे, इसमें नमक ऐड करना, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। तो मैं इसमें नमक ऐड कर डाली, अभी मैं इसे सीटी 2 सीटी दे डालचू। वेज स्पेशल ग्रेवी है ये, तो 2 सीटी आने के बाद आपको फाइनल लुक दिखा चूँ मैं। तो इधर हमारी 2 सीटी आ चुकी है, देख लीजिए आप भी हमारी वेज ग्रेवी बनके रेडी है, आप लोग भी देख लीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं सर्व करके आप लोगों को दिखा डालती हूँ। देखो पानी भी नहीं है और कितना गाढ़ा है हमारा वेज ग्रेवी। तो चलिए मैं रेसिपी सर्व करके दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, बिना मत करिए मत जाइए। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है इसलिए मेरी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। देख लीजिए वेज ग्रेवी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं सर्व कर डाली हूँ, आप लोग देख लीजिए हमारी वेज ग्रेवी कैसी दिख रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने में कितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है हमारी ग्रेवी।
वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।